नमस्कार, मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज मैं फिर आपके सामने बाबा फरीद जी का एक किस्सा लेकर आया हूं। सुनिए, पाकपत्तन से ही कुछ दूर एक जादूगर ने अपना डेरा बना लिया था। उस डेरे में वो जादूगर अपने कुछ चेलों के साथ रहने लगा। आसपास के गांव में उसने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वो जब चाहता अपने चेलों के साथ किसी नज़दीकी गांव में चला जाता और वहां कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करवा देता। जादूगर के ऐसे व्यवहार से गांव के लोग तंग आने लगे। एक दिन आसपास के सभी गांव के मुखिया इकट्ठे होकर उस जादूगर के डेरे पहुंच गए और जादूगर से गांव की परेशानी दूर करने की विनती करने लगे। तो जादूगर ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए एक शर्त रख दी और कहा, यदि तुम मेरी सभी जरूरतों का सामान मेरे डेरे में भिजवाने का प्रबंध कर दो तो मैं आराम से रह सकता हूं, किसी को तंग भी नहीं करूंगा। जादूगर की ऐसी शर्त सुनकर सभी मुखियाओं ने उसकी बात मान ली और उसके डेरे की सभी जरूरतों की सूची बना ली। जादूगर ने चेतावनी दी कि अगर किसी दिन किसी गांव से कोई सामान बाधित हो गया तो उसका जुर्माना पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ सकता है। सभी मुखियाओं ने जादूगर को आश्वस्त किया कि सभी मुखिया अपने घर से निश्चित समय पर सामान खुद भिजवाया करेंगे। जादूगर ने कहा, तो जाओ, आज के बाद तुम्हारे गांव में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद सभी गांव वालों ने अपने अपने जिम्मे का सामान निश्चित कर लिया कि कौन सा सामान कौन सा गांव भिजवाएगा। जैसे एक गांव से दही, मक्खन, छाछ, दूसरे गांव से घी, तीसरे गांव से दूध, चौथे से पकवान, पांचवें से साग सब्जी इत्यादि इत्यादि। इस तरह आसपास के सभी गांव से उस डेरे का सारा जरूरी सामान पहुंचने लगा। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। एक दिन बाबा फरीद जी पाकपत्तन से निकलकर एक ऐसे गांव के बाहर अपने चेलों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे जहां से उस जादूगर के लिए रोजाना दूध जाया करता था। चेलों को भूख लग रही थी। फरीद जी ने देखा कि एक स्त्री दूध का डोल लिए तेज कदमों से चली आ रही है। बाबा ने कहा, दूध लेकर कहां भागी जा रही है बीबी? तेरे इंतजार में जरूरतमंद यहां बैठे हैं। इस दूध को इन बच्चों में तकसीम कर दो ताकि इनकी कुछ भूख मिट जाए। वो स्त्री बाबा की बात सुनकर रुक गई। बाबा जी की बात उसके कानों में गूंज रही थी कि तेरे इंतजार में जरूरतमंद यहां बैठे हैं, जरूरतमंद यहां बैठे हैं। उसका मन वहां बैठे चेलों को दूध पिलाने का कर रहा था, मगर मजबूरी उसका हाथ रोक रही थी। बाबा जी ने कहा, क्या बात है बीबी, संकोच कर रही है? उसने कहा, बाबा, यहां से कुछ दूर एक जादूगर का डेरा है। आसपास के सभी गांव वाले रोजाना उसके लिए कुछ ना कुछ भेजते हैं। हमारे गांव से उसके लिए दूध जाता है। अगर दूध पहुंचाने में देर हो गई तो वो हमारे गांव का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे जाने दो। बाबा ने कहा, ऐसे कैसे नुकसान पहुंच जाएगा? अल्लाह पर यकीन कर बीबी, इस दूध को इन भूखे बच्चों में तकसीम कर दो। यकीन करो, आज उस दुष्ट जादूगर से सभी गांव वालों को आज़ादी मिलने वाली है। उस स्त्री ने अपने डोल का सारा दूध बाबा के चेलों को पिला दिया, परंतु किसी अनहोनी के डर से भीतर ही भीतर कांप रही थी। उधर जादूगर के डेरे में सभी गांव से खाने पीने का सारा सामान आ चुका था, बस दूध नहीं पहुंचा था। जादूगर के एक चेले को बहुत गुस्सा आ रहा था कि फला गांव से अभी तक दूध नहीं आया। डेरे के ऊंचे स्थान पर खड़े होकर उसने उस गांव की ओर नज़र दौड़ाई तो दूर दूर तक कोई आता हुआ उसे नज़र नहीं आया, तो उसका पारा चढ़ गया और उसने अपने एक साथी से कहा, मैं देख कर आता हूं, दूध लाने वाला कहां मर गया। इतना कहकर वो उस गांव की ओर चल दिया। जादूगर का चेला गांव के बाहर बाबा जी और उनके चेलों को देखकर रुक गया। उस स्त्री ने डरते हुए बाबा जी को कहा,
बाबा जी बाबा जी वो आ गया, इसके कहर से बचा लेना। उस स्त्री की बात सुनकर वो चेला समझ गया कि आज दूध पहुंचाने की बारी इस स्त्री की थी। इस बाबा के पास आकर इसने हमारे जादूगर उस्ताद से दुश्मनी ले ली है। और वो उस स्त्री की तरफ बढ़ा और अपशब्द बोलने लगा, अमानत में खयानत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अपने घर अपने गांव वालों पर तरस नहीं आया? विश्वासघाती डेरे पर दूध क्यों नहीं पहुंचाया? बाबा ने उसे बीच में रोका और बोले, रुक जा बच्चा, बदजुबानी क्यों कर रहा है? बाबा जी का कहना हुआ और वो रुक गया, मुंह से भी और अपने कदमों से भी। अब उसके मुंह से न तो कोई अपशब्द निकल रहा था और न ही उस स्त्री की ओर उसके कदम, जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। वो बुत बनकर खड़ा हो गया। जुबान बंद हुई तो अब उसकी अकल ने थोड़ा काम करना शुरू किया। वो समझ गया कि ये बाबा भी कोई जादूगर है या कोई ऊंची चीज। अब वो अपने उस्ताद जादूगर की ओर से किसी के आने का इंतजार करने लगा। उधर जादूगर के डेरे में जादूगर तक ये खबर पहुंच गई कि फला गांव से आज दूध नहीं आया और उसका एक चेला इस बात का पता करने गया हुआ है, परंतु काफ़ी देर होने पर भी लौटा नहीं। तो जादूगर ने अपने दो खास चेलों को उस गांव से पूरी खबर लाने के लिए भेज दिया। वो दोनों चेले उस गांव की ओर चल दिए। जादूगर के दोनों चेले उस गांव के बाहर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर चौंक गए। उनका साथी बुत बना खड़ा हुआ था, आंखें झपका रहा था, इशारों में कुछ बताना चाह रहा था परंतु बता नहीं पा रहा था। बस पास के पेड़ के नीचे बैठे बाबा की ओर इशारा किए जा रहा था। जादूगर के दोनों चेले शेख फरीद जी के पास पहुंचे और बोले, ये क्या माजरा है? हमारे साथी पर कौन सा जादू कर दिया है? ये हिल भी नहीं रहा। फरीद जी मुस्कुराए तो उन चेलों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम हमारे उस्ताद को नहीं जानते हो? वो बहुत बड़े जादूगर हैं। वो आ गए तो तुम्हें तुम्हारे चेलों सहित इस गांव से उड़ा देंगे। तो जल्दी से हमारे साथी पर से अपना जादू हटा दो, हमें जाने दो। फरीद जी ने सुना अनसुना कर दिया तो उन चेलों ने गुस्से से फरीद जी को कहा, सुना नहीं? हमने क्या कहा? इस पर से अपना जादू हटाओ। तो फरीद जी ने कहा, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। बाबा जी का कहना हुआ और वो दोनों भी रुक गए, मुंह से भी और अपने कदमों से भी। अब उनके मुंह से ना तो कोई शब्द निकल रहा था और ना ही वो हिल पा रहे थे। जमीन ने इन दोनों को भी जकड़ लिया था। दोनों बुत बन के खड़े हो गए। जुबान बंद हुई तो अब इनकी भी अकल चलने लगी। इनको भी समझ आ गया कि आज पंगा पड़ गया है। ये बाबा कोई बड़ा जादूगर है या कोई बहुत ऊंची चीज। अब तीनों चेले अपने उस्ताद जादूगर के आने का इंतजार करने लगे कि उस्ताद आए तो हमारी जान बचे। उधर जादूगर के डेरे में जब काफ़ी देर तक जादूगर को कोई सूचना नहीं मिली तो वो समझ गया कि आज कोई ना कोई पंगा हो गया है। किसी ना किसी को सबक सिखाने के लिए आज कोई बड़ा जादू दिखाना होगा। वो अपने निजी कक्ष में गया और पूरी तरह तैयार होकर अपने कुछ चेलों के साथ उस गांव की ओर चल दिया। गांव के बाहर का नज़ारा देखकर वो भी एक बार को ठिठक गया। उसके चेले बुत बने खड़े थे। बाबा फरीद अपने चेलों के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे। उसी गांव की सहमी सी एक स्त्री फरीद जी के चरणों में बैठी थी। जादूगर समझ गया कि आज का सारा तमाशा इस बाबा ने रच दिया है। उसने सबसे पहले अपने चेलों पर से जादू हटाने की कोशिश की, परंतु उसका कोई भी जादू उन चेलों को पूर्व स्थिति में न ला सका। तो उस जादूगर ने फरीद जी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना जादू चलाया, पर फरीद जी को कुछ ना हुआ। जब कोई भी जादू फरीद जी पर नहीं चला तो जादूगर ने उस स्त्री से गुस्से में कहा, विश्वासघाती, तूने हमारे हिस्से का दूध इस बाबा और इसके चेलों को पिला दिया है, तूने अच्छा नहीं किया। इतना कहते हुए वो अपना शारीरिक बल दिखाने के लिए बाबा फरीद जी की तरफ बढ़ा तो बाबा फरीद जी ने कहा, रुक जा रुक जा, कहाँ चला रहा है? बाबा जी का कहना हुआ और जादूगर भी वहीं रुक गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था।
जमीन ने उसे जकड़ लिया था। वो भी अपने चेलों की तरह बुत बनकर खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक जब जुबान बंद रही तो उसकी भी अकल चलने लगी। उसे समझ आ गया कि आज गलत आदमी से पंगा पड़ गया है। इस बाबा से माफ़ी मांगकर ही जान बच सकती है। चेलों ने भी अपने उस्ताद की हालत देख ली। अब तक नज़दीक के सभी गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि एक बाबा ने आज जादूगर से पंगा ले लिया है। जादूगर और बाबा के बीच जंग हो रही है। ये जंग देखने के लिए सभी गांव वाले बाबा फरीद जी के पास पहुंच गए। बाबा फरीद जी आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जादूगर अपने चेलों के साथ बुत बना खड़ा हुआ था। यह नज़ारा देखकर सभी हैरान थे। अब बाबा इस जादूगर का क्या करेंगे, ये देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगी। जादूगर और उसके चेलों की शक्ल पर जो अभी तक अकड़ और गुस्से के भाव नज़र आ रहे थे, वो अकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी और गुस्सा छूमंतर हो रहा था। उसके स्थान पर उनके चेहरे पर अब दयनीयता के भाव नज़र आने लगे थे। बाबा फरीद जी ने जब उस जादूगर की ओर देखा तो वो समझ गए कि अब इसकी आंखों में इसके द्वारा किए गए कुकर्मों का पछतावा नज़र आ रहा है। तो उन्होंने जादूगर को इशारा करके कहा, आ जाओ। बाबा जी का कहना हुआ और वह जादूगर भागकर फरीद जी के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बाबा जी ने कहा, तुम्हें ये स्थान छोड़कर जाना होगा। आज से सभी गांव वाले तुम्हारी बंदिशों से निजात हों। जादूगर ने कहा, ठीक है बाबा, आज से ही मैं इस स्थान को छोड़ देता हूँ। इन सभी गांव वालों को मैं अपनी बंदिशों से निजात देता हूँ, ये सब आबाद हों। और वो जादूगर अपने चेलों के साथ वहाँ से चला गया। सभी गांव वालों ने बाबा फरीद जी को मान देते हुए उनका शुक्रिया किया और अपने अपने गांव की ओर चले गए। कुछ दिनों बाद बाबा फरीद जी भी वहाँ से कूच कर गए। ऐसी ही और वीडियो लेकर जल्द आ रहा हूँ। आपसे मिलने वाले प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।